बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। सर्दियां आ चुकी हैं, सर्दियों के हवाले से चाय की रेसिपीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, तो इसी वजह से आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट कश्मीरी चाय की रेसिपी। और इस चाय की सबसे बेस्ट बात यह है कि इसको एक मिनट में तैयार किया जा सकता है। नहीं, अब कश्मीरी चाय बनाने के लिए आपको घंटों किचन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आज एक सीक्रेट रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी जिसकी वजह से आप भी एक मिनट के अंदर ऐसी बहुत ही ज़बरदस्त चाय बना सकते हैं। तो कश्मीरी चाय को बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। अच्छा जी, इस चाय को बनाने के लिए जो जो अज़ा है ना उनका वेट आप सबसे पहले नोट कीजिए। 18 ग्राम यहाँ पर मैंने लिए सब चाय की पत्तियाँ, 4 ग्राम बादियान के फूल, 4 ग्राम लौंग, 4 ग्राम दालचीनी के स्टिक्स और 4 ग्राम सब्ज़ इलायची। अच्छा, इस रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए ना आपने इन चीज़ों के मेजरमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। मेरे पास इंग्रेडिएंट के मेजरमेंट के लिए एक टूल था, तो उसी से मैंने इनके मेजरमेंट की है। चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे ले लेंगे पैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम को कर लिया है ऑन। इसके अंदर जाएंगे जी सब्ज़ चाय की पत्तियाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जाएंगे जी दालचीनी के स्टिक्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऐड करेंगे जी सब्ज़ इलायची, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके बाद इसके अंदर जाएंगे जी बादियान के फूल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे लास्ट में जाएंगे जी लौंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको करेंगे ड्राई रोस्ट, यानी इनको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेना है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी और इसके अंदर जो नमी है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यही पर्पज़ है जी इसको ड्राई रोस्ट करने का, यानी इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए और इसके अंदर जितनी भी नमी होती है इन मसाला जात के अंदर वो ख़त्म हो जाएगी। दरमियानी आंच पे इनको मैंने पका लिया है और जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाएंगे बहुत ही अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। मैं भी नोट कर रही थी कि जब इसकी अच्छे से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो फिर मैं फ्लेम को करूँ ऑफ। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अच्छा जी, ड्राई रोस्ट करने का एक सीक्रेट भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि अगर आप इस तरीके से इसको बनाएंगे ना तो फिर आप इसको बना के रख सकते हैं, यानी स्टोर कर सकते हैं 1 साल के लिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और रोस्ट करने से इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं जी इसकी रोस्टिंग। आप इसको करते हैं डिश आउट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी क्योंकि ये मसाला जात अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इनके अंदर जो नमी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो इसको करेंगे जी ब्लेंड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लेंडर में इसको ऐड करेंगे, अच्छे से करेंगे इसको ब्लेंड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैंने यहाँ पे ब्लेंडर को कर दिया है जी ऑन। 2 से 3 मिनट लगेंगे अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग में, यानी इसको हमने करना है बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। और ये देखिए 2 से 3 मिनट में अच्छे से इसके जो अज़ा हैं वो बारीक पीस चुके हैं, यानी ये पाउडर फॉर्म में आ चुकी है। फिर आप इसको अच्छे से यहाँ पर छान लेंगे, यानी छाने का यहाँ पर मकसद सिर्फ यही है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो थोड़े से मोटे पार्टिकल्स बच जाते हैं वो निकल जाएँ। तो अच्छे से इसको छान लेंगे, यानी ये जो बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में है ये अलग हो जाएगा और इसके अंदर जो मोटे मोटे से थोड़े से पार्टिकल्स बचेंगे वो निकल जाएंगे। और हमें चाहिए भी बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में, तो इसी वजह से इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है, अच्छे से इसको पीसा है। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ये छान भी चुका है, यानी स्टेन हो चुका है। और इसके अंदर ये जो मोटे मोटे से पार्टिकल्स है ना इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इनको बाहर निकाल के वेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए जी पाउडर फॉर्म में हमारे पास हमारी आज की रेसिपी जो है वो आ चुकी है। अब इसके अंदर कुछ मज़ीद अज़ा जाएंगे, फाइनल अज़ा जाएंगे जिससे हमारी इंस्टेंट कश्मीरी चाय रेडी होगी। ऐड करेंगे जी 90 ग्राम दूध, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खुश्क मिल्क है। और अब ऐड करेंगे 60 ग्राम चीनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बारीक पाउडर फॉर्म में है, ये मैंने खुद पीसी है। और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जो दूध है ना आपने एवरीडे या फिर चाय वाला दूध लेना है, नीडो वाला दूध, यानी जो बच्चों के पीने वाला दूध है वो ऐड नहीं करना। इसके अंदर ऐड करेंगे 4 ग्राम नमक और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह मैंने आपको मसाला जात बताए थे ना उनकी मेजरमेंट करके, जितना मैं आपको अभी बता रही हूँ उसका वेट आपने इतना ही रखना है। 90 ग्राम मिल्क है तो 90 ग्राम ही चाय वाला दूध इसके अंदर खुश्क दूध ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे जी 8 ग्राम पिंक फूड कलर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कलर जो है ना वो फूड कलर होना चाहिए, ना कि कपड़ों को करने वाला कलर। अच्छा
अच्छा जी, मिक्सी मैंने की है लेकिन उस तरह मिक्सिंग नहीं हुई, इसी वजह से ये मैंने मिक्सी जार अगेन ले लिया है। इसके अंदर थोड़ा सा ये मिक्सचर ऐड करेंगे और अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। 30 से 40 सेकंड के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, 30 से 40 सेकंड अच्छे से ब्लेंड किया है। तो देखें, इसकी फॉर्म देख लें और इसकी फॉर्म देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ऐड करते हैं इसको एक जार में। तो यहाँ पर ना इस सारे मिक्सचर को मैंने अगेन मिक्सी में ही ब्लेंड करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो देखें, इक्वल अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है जी। इंस्टेंट कश्मीरी चाय बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आप इसको कारोबार के पर्पज़ के लिए बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह इसको सेल कर सकते हैं, इस तरह पाउडर फॉर्म में बना के आप छोटे छोटे से पैकेट्स बना सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास जिप लॉक बैग हैं, यानी छोटे छोटे से जिप लॉक पैकेट्स हैं के अंदर मैं आपको फिल करके बताती हूँ कि अगर आपने एक कप के लिए यूज़ करना है तो आप कितना ऐड करेंगे। तो इसके लिए तकरीबन हाफ टेबल स्पून आप ऐड कर सकते हैं एक कप के लिए। अच्छा जी, अभी मैं एक कप के हिसाब से आपको बता रही हूँ। एक कप में जाएगा जी तकरीबन हाफ टेबल स्पून। तो हाफ टेबल स्पून आप इस तरह के पैकेट्स में ऐड कर सकते हैं, और वैसे भी जैसे आपको डिस्पोजिबल पैकेट्स मिलते हैं चीनी के लिए, किसी भी जगह पे आप जाते हैं होटल्स में या जहाज़ में सफ़र करते हुए आपको इस तरह के पैकेट्स मिलते हैं, तो आप उस तरह के पैकेट्स में भी इसको पैक कर सकते हैं। तकरीबन एक टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इस तरह बंद करके आप रख सकते हैं और सेल कर सकते हैं, और ये दो कप के लिए बहुत ही बेस्ट है। और अगर आप इसको लंबे अरसे तक स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देखिए जी, मैंने जार ले लिया है, ये एयरटाइट जार है, और इसके अंदर फिल करेंगे अपने इस मिक्सचर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अगर आप शादियों ब्याह के लिए या किसी भी तकरीब के लिए इस तरह की रेसिपी बनाना चाहते हैं तो पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर आप मेहमानों को सर्व करना चाहते हैं तो एक मिनट में आपकी जो रेसिपी है वो रेडी हो जाएगी। अभी मैं आपको इसका जो प्रैक्टिकल है वो करके दिखाती हूँ, यानी तैयार करके भी दिखाती हूँ कि किस तरह आप बना के सर्व कर सकते हैं। उसके लिए दूध को गर्म करेंगे। तकरीबन हाफ लीटर दूध ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे से इसको बॉयल करना है। इसके अंदर जब बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे और इसको 2 से 3 बॉयल आ जाएंगे तो समझेगा कि दूध बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इतना अच्छा गर्म आपका दूध होगा उतनी अच्छी आपकी चाय बनेगी। यहाँ पे ले लिया है जी 2 डिफरेंट शेप में कप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ऐड करते हैं तकरीबन हाफ टेबल स्पून चाय। कप चाय बनाने के लिए हाफ टेबल स्पून काफ़ी है। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्म गर्म दूध ऐड करना है। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त चाय रेडी हो गई है। अच्छा, पिंक टी की रेसिपी मैं पहले भी अपने इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पर आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट रेसिपी। और आपको पता है ना कि उसके अंदर मीठा सोडा भी जाता है और बर्फ़ वाला पानी भी जाता है, और आपने देखा है कि इसके अंदर ना तो हमने मीठा सोडा ऐड किया है और ना ही ठंडा बर्फ़ वाला पानी ऐड किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो कलर है और इसके जो थिकनेस है बहुत ही ज़बरदस्त है। और उस चाय को आपको घंटों खड़े होकर पकाना पड़ता है, जबकि ये चाय मिनटों में तैयार हो जाती है, यानी एक मिनट में तैयार हो जाती है। तो इसके अंदर अब हमने ऐड किया है जी पिस्ता के कुछ चंक्स, पिस्ता बादाम। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए जी, इतनी सी चाय के साथ आप इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त चाय बना सकते हैं। चाय बनाना बहुत ही आसान है। ये इंस्टेंट कश्मीरी चाय की रेसिपी है। जब भी बनाएं अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।